हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर नासिर जमान हैं, जो कि एक सिनेमेटोग्राफर हैं, और हमारी खुशकिस्मत यह है कि हमारे साथ एक टेक्निकल आज हमारे पेशेंट हैं, जो हमें टेक्निकल काफ़ी सारी चीज़ें हमें टिप्स भी दिए हैं हमारे ऑडियो और वीडियो को लेके, और इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इस लाइन में। सो हमने सोचा कि इनसे थोड़ा हमें फ़ायदा उठाया जाए, और ये बॉलीवुड में भी रह चुके हैं, बॉलीवुड में सिनेमेटोग्राफर थे बालाजी के साथ, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कई सारे फिल्म्स में काम किया है, कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शंस में इन्होंने कैमरा ऑपरेट किया है। अब लास्ट 4 ईयर्स से ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हैं, और वहाँ पर भी ये सिनेमेटोग्राफर हैं, और काफ़ी इनको प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई वो इसी प्रोफेशन की वजह से स्टार्ट हुई, क्योंकि जो कैमरा इनको होल्ड करना पड़ता है वन साइडेड ऑन राइट हैंड शोल्डर पे, उसकी वजह से इनका पॉस्चर इम्बैलेंस हुआ, और पॉस्चर इम्बैलेंस होने की वजह से इनको कंटिन्यूअस बैक में, लोअर बैक में और अपर बैक में इतना ज़्यादा पेन था कि इनसे काफ़ी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और कई सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर इन्होंने जो कायरोप्रैक्टिक कराने का डिसीजन लिया और हमारे पास आए, हमने इनको एक सेशन दिया था, उसके बाद बेटर फील कर रहे हैं। तो पहले हम इस नासिर जमान से पूछेंगे इनकी प्रॉब्लम क्या है और इनका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड को लेके। मैं अभी फर्स्ट सेशन के बाद मैं अपने बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेशन में यहाँ पे आया था तो आप यकीन कीजिएगा मैं खड़ा नहीं हो पाता, और आज सेकंड सेशन के बाद मुझे अच्छा लग रहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे 25% तक जा चुकी है, और डे बाई डे जैसे कि सेशन स्टार्ट होंगे आगे जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला हूँ इंशाल्लाह, आई होप। और ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 16 साल पहले जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया था तब नहीं थी, लेकिन धीरे 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 एक टाइम के बाद में आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को जब करते रहते तो प्रेशर बन जाता है, तो ये प्रेशर मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से होते होते लोअर बैक पेन में, लोअर बैक से अभी ये मेरे पूरा राइट साइड में चले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राइट साइड पूरा डेड हो चुका है, ये कोमा में है, और मुझे इतना पेन होता है रात में और मॉर्निंग में उठ नहीं पाता, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मेरे साथ में अभी मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शूटिंग करनी है, शूटिंग को मैं ना नहीं कर सकता हूँ, और इस पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए कि वो मेरे साथ में फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने आपको एक सेशन दिया था इनको, उससे इनको काफी बेटर लग रहा है, लेकिन एक सेशन से पूरी बॉडी को एडजस्ट करना, उसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम एक रिपीटेटिव सेशन देते हैं वीकली बेसिस, ताकि जो जिसमें हम 4-5 सेशन देते हैं, ताकि जो अलाइनमेंट्स हैं, मिसअलाइनमेंट्स हैं, उनको हम प्रॉपर हैंडल कर सकें और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग पर भी फोकस कर सकें, क्योंकि जो इनका प्रोफेशनल काम करना है और आगे भी इन्होंने काफ़ी लॉन्ग आर्ट्स में इनका भी काफ़ी फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, लॉन्ग करियर है, तो इनको आगे भी काफ़ी काम करना है, तो इनको हम चाह रहे हैं कि इनको इतना परफेक्ट बना दें कि इनकी जो स्किल है उसको हमें बार बार बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर सब जगह देखने को मिले। सो मिस्टर नासिर जमाल का मैं एक कायरोप्रैक्टिक सेशन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि एक एडजस्टमेंट के लिए हम कैसे सेशन करते हैं। आइए प्लीज। दोनों हाथों को पीछे रखिए, थोड़ा सा स्पाइन दिखाना चाहूँगा आपको, जहाँ पर आपका मिसअलाइनमेंट है। तो सबसे पहले एक बार लेग लेंथ चेक करेंगे, सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनका जो लेफ्ट लेग है दैट इज शॉर्टर देन द राइट, सो लेफ्ट लेग शॉर्ट होने का मतलब है इनका जो पैल्विस है, वो इनका जो इलियम है वो लेफ्ट साइड से पोस्टीरियर है, ये इनका पोस्टीरियर है लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है वो एंटीरियरली टिल्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इनका पैल्विस इम्बैलेंस है। पैल्विस इज द बेस ऑफ द स्पाइन, अगर पैल्विस बैलेंस नहीं है तो आपका जो सारा स्पाइन है वो मिसअलाइंड रहता है, और आपको चलने में एक साइड ओवरलोडिंग होती है, दूसरी साइड जो है मसल्स वो वेट कम लेते हैं, तो जिसकी वजह से इम्बैलेंसिंग होती है मसल्स पे, और कंटिन्यूअस एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से मसल्स में वेयर एंड टियर होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, स्पैज़म्स आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हम जैसे D12 से स्टार्ट करें, D12 पे भी मुझे, D10 पे भी मिसअलाइनमेंट्स हैं, सो डॉर्सल एरिया जो है वो हमेशा कंपनसेटरी मिसअलाइंड हो जाता है, जब हमारा लंबर और सैक्रम मिसअलाइंड होता है, तो
इनका जो राइट स्कैपुला है वो भी थोड़ा उसका विंग है उसमें थोड़ा सा प्रोट्रूडेड है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है शोल्डर, ये स्कैपुला ज़्यादा यूज होता है, तो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला वी कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इनका T1 T2 एडजस्ट करेंगे, जस्ट रिलैक्स लूज। Yes, relax. Just loose your shoulders, loose your shoulders. Breathe in, breathe out. Yes. थोड़ा स्कैपुला भी एडजस्ट करेंगे। लूज लूज यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स योर शोल्डर। Just relax, relax your fibers. Do yes. Turn to my side. L5 S1 along with the pelvis, we are doing the adjustment. Just relax, please. Loose. Breathe in. Breathe out. Sit straight. Turn this side. तो टर्निंग ऑन बैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। जब भी ये बैट पर टर्न करते हैं तो इनको मैक्सिमम पेन होता है बिकॉज ऑफ द मसल्स स्पैज़म। जस्ट रिलैक्स योर हिप लूज। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टोटल ब्रीद आउट। Straight. थोड़ा सा इसके साथ आपका नेक भी एडजस्ट करना होगा, थोड़ा ऊपर आइए देखो और ऊपर आइए। रिलैक्स रियली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत एक शोल्डर पे जो ऐसा लगा था मुझे इससे पहले ट्रीटमेंट से पहले कि कुछ रखा है वेट है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल बॉडी हल्की हो गई, बहुत हल्की। एडजस्टमेंट के बाद एकदम से मसल्स को जितना ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलने लगता है, नॉट सप्लाई बेटर हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। सो कुछ लोग इमीडिएट बहुत अच्छा फील करते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट आने में 24 आवर्स लगता है क्योंकि बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है रिकवर करने में। सो सबसे पहले मैं नासिर भाई को दोबारा से आई वुड लाइक टू थैंक हिम बिकॉज वॉट एवर टिप्स इज गिविंग अस अबाउट द वीडियो ऑडियो वीडियो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्प इन आवर वीडियो कंडीशन वीडियो क्वालिटी। So thank you viewers for watching our video. Please subscribe our channel and like our video.
प्लीज शेयर आवर वीडियो ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.